चीन अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस की जकड़ से निकल भी नहीं पाया। वहां एक नए वायरस की दस्तक से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इस वायरस की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत की खबर है। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के यूनान प्रांत में नया वायरस फैला है, जिसका नाम है हंता वायरस। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये जानकारी मिली है। हंता वायरस से पीड़ित व्यक्ति बस से शाडोंग प्रांत लौट रहा था, तभी कोरोना की जांच के दौरान इस वायरस का पता चला। इस बस में कुल 32 लोग थे, सभी यात्रियों की जांच हुई। जब से चीन ने ये जानकारी शेयर की है, तब से सोशल मीडिया पर जैसे डर का माहौल हो गया हो। हंता वायरस चूहों के मल मूत्र और थूक में होता है। इससे इंसान तब संक्रमित होता है जब चूहे इसे हवा में छोड़ देते हैं। हंता वायरस सांस के जरिए शरीर में जाता है। इस वायरस से संक्रमित होने पर इंसान को बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, डायरिया, उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एक दो दिन बाद सूखी खांसी भी आती है। अगर इलाज में देरी होती है तो संक्रमित इंसान के फेफड़े में पानी भी भर जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। वहीं यूएस सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल के अनुसार कोरोना वायरस की तरह से हंता वायरस घातक नहीं है। ये चूहे या गिलहरी के संपर्क में इंसान के आने से फैलता है। चूहों के घर के अंदर और बाहर करने से हंता वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार रहता है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि हंता वायरस ज्यादातर चीन के ग्रामीण इलाकों में होता है। इसकी वजह से कई बार पर्वतारोहियों और कैंपिंग करने वाले पर्यटकों को दिक्कत भी हो चुकी है। हालांकि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हंता वायरस कोरोना वायरस की तरह घातक नहीं है। बहरहाल अब चीन के साथ साथ देश दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये डर जता रहे हैं कि कहीं कोरोना वायरस की तरह से ही हंता वायरस भी महामारी न बन जाए। वहीं चीन में हंता वायरस से हुई एक मौत का मामला ऐसे समय पर भी आया है जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।